दोस्तों एक सवाल काफी महत्वपूर्ण आता है कि जब पति और पत्नी की स्टार्टिंग में जो कोई शिकायत दर्ज होती है पुलिस थाने में या महिला थाने में सीएडब्ल्यू सेल में महिला सेल में कहीं भी और वहां पे काउंसलिंग होती है तो आखिर पति और पत्नी की बात क्यों नहीं बनती है। वहां पे पति ये भी कह देता है कि मुझे नहीं रखना या पत्नी खुद कह देती है कि मुझे नहीं रखना तो भी आगे बात क्यों नहीं बढ़ती है उनकी और बात काम क्यों नहीं बनती है वहां पे क्यों नहीं सेटलमेंट होता वहां पे एक ही अमाउंट को लेके ज्यादा मैक्सिमम होता है कि डिमांड ये होती है कि साहब मुझे तो पत्नी खुद कह देती है कि साहब मुझे तो 50 लाख रुपए चाहिए मुझे नहीं देना। पति कहते साहब नहीं देना मुझे, बात आगे बिगड़ जाती है। आखिर क्यों नहीं होता सेटलमेंट वहां पे? इसका कारण मैं आपको आज प्रैक्टिकल बता देता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि महिलाओं को स्टार्टिंग ये लगता है कि कानून हमारे पक्ष में है, लेकिन कानून किसी के पक्ष में नहीं होता, कानून सही के साथ होता है, गलत के खिलाफ साथ में कभी भी कानून नहीं होता है। अब ये चीज इनको कब समझ में आती है? जब इनकी चार्जशीट बन जाती है और इनका जो समय होता है पुलिस थानों में खराब होता है ना, उसके बाद इनको एहसास हो जाता है कि जो भी मुझे अफवाहें जो भी मुझे बताया गया कि साहब नाक रगड़ेगा वो करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उनके बाद इनको चार्जशीट पेश होने के बाद इनकी जो डिमांड होती है 1,25,00,000 वाली वो 5 लाख में आ जाती है ऑटोमेटिक, समझ आ जाती है। कि अब फिर आगे भी इंतजार करोगे तो ये समझ आ जाता है इनको कि कोई मतलब ही 5 लाख से भी चले जाएंगे, क्यों अगला ये क्लियर कह देता है। देखो मैक्सिमम हस्बैंड लोगों को स्टार्टिंग में क्या होता है कि डर लगता है। अब जब उनकी चार्जशीट बनती है और उनको समय मिल जाता है, आजकल तो एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, अगर किसी को लगता है कि साहब हमारी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो लड़ने के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब महिला कह रही साहब मुझे तो 20 लाख की डिमांड चाहिए, पुरुष कह देगा भाई कोई ना 1 लाख रुपये वकील देके हम तो फाइट कर लेंगे। अब बाद में उनको समझ आ जाता है कि अब ये 20 लाख अब 2-5 लाख रुपये पहले दे रहा था ना वो भी अब नहीं देने वाला, तो भैया चार्जशीट बनने के बाद ये फील हो जाता है इनको कि अब अपन को समझौता कर लेने में ही फायदा है, कोर्ट में जाएंगे एविडेंस वगैरह है नहीं क्योंकि सो एविडेंस नहीं। देखो पुलिस चलेगी इससे, पुलिस हमेशा चलती है जो चलती है आरोपों से, कोर्ट चलता है सबूत से। अब ये अच्छे से पता है 90% केसों में मतलब आरोप ही आरोप होते हैं, सबूत तो बिल्कुल नहीं होते, तो इसमें बात बनने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस वजह से मैक्सिमम जो समझौते होते हैं वो चार्जशीट पेश होने के बाद ही होती हैं, जी हाँ पहले कभी भी नहीं होते हैं। और यही कारण है कि पहले एक महिला को ईगो अहंकार होता है कि साहब कानून मेरे पक्ष में है और मैं जो कहूँगी वही चीज़ हो जाएगी। अब उसे ये चीज़ धीरे धीरे समझ आ जाती है कि भाई कोर्ट में जाएंगे तो मामला सबूतों पे अटक जाएगा और इतने स्ट्रॉन्ग सबूत भी नहीं है, तो इस मामले के इस वजह से मामले जो होते हैं वो कोर्ट से पहले मतलब चार्जशीट पेश होते ही ट्रायल से पहले सॉर्ट आउट हो जाते हैं मैक्सिमम जगह होते हैं 99%। तो आई होप ये तरीका अपना लीजिए आप और यही समझ में आप आ जाएगी तो आप अपना पुलिस थाने वगैरह में आप अपना समय खराब ना करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।